उसके बाद सेकंड ऑपरेशन मैंने क्या सिखाना है आप लोगों को, वो है डिटरमिनेंट, कि किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करो। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर में जाओ और ये मॉड स्टेप का, सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरे पास जो कैलकुलेटर है ना वो ये है fx-991ES प्लस कैसियो के, सही है। तो इस वाले कैलकुलेटर में ये वाले ऑप्शन है, बाकियों का मुझे नहीं पता, उसमें वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं उधर, सही है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप जाओगे मॉड स्टेप में, सही है। 5 पे आपकी इक्वेशन आती है जो मैं पहले भी कवर करवा चुका हूँ, अगर आपको शौक हो देखने का कि किस तरह इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, 3x3 की हों या मतलब 3 अननोन वाली हों, 2 अननोन वाली हों, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, सब मैंने बताई है, सही। तो वीडियो आपके पास आ रही होंगी, आप देख लेना। हमारा टॉपिक क्या, हमें मैट्रिसेस फाइंड करने हैं, मैट्रिसेस को किस तरह कैलकुलेट करना है, तो 6 ऑप्शन जो है उस पर आपको जाना पड़ेगा, सही है। मैंने मैट्रिक्स लेट से ए, एक मैट्रिक्स ए बनानी है और ऑर्डर उसका क्या है, 3x3, सही है। सबसे पहले डाटा पुट करना पड़ेगा। अगेन डाटा पुट करने का तरीका ये है कि अब मैं ये वाली डाटा पुट करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसलिए डिफरेंट दिखाने के लिए ये वाला पुट करूँगा, सही। तो अगर इस वाली मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डाटा पुट करना है आपने। तो सबसे पहले किस तरह पुट करोगे, 2 इक्वल, फिर आप 1 लिखो इक्वल दबाओ, फिर -1 लिखो इक्वल दबाओ, इसी तरह आपने दोनों रॉस को फिल करना है। जब आप ये पुट कर दोगे सब डाटा तो आप क्या करो, सिंपल शिफ्ट दबाओ, अच्छा एसी दबाना है आपने पुट करने के बाद, सही है। शिफ्ट दबाओ, उसके बाद 4 के ऑप्शन पे जाओ। 4 के ऑप्शन पे अगर आप गौर से देखो तो ये 7 पे DET लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म, तो आप 7 दबाओ, सही। अब आपको किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, आपने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जिसके अंदर आपने डाटा पुट किया था, तो आप क्या करो, 3 दबा दो, सही, डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है, सही है। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप इस तरह निकालते हैं।